नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आप इस समय जो हम मौजूद हैं सड़क पर, तो देखेंगे इंगोटा से चलकर के ये छानी के लिए जाने वाला मार्ग है और यहाँ से जो लगा हुआ आप देखेंगे ये बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत ये जो निर्मित मंडी समिति है, जो गल्ला मंडी है, यहाँ पर निर्माण हुआ है। आइए चलते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं मंडी में कैसी क्या स्थिति है और क्या अनियमितताएं हैं, क्या मंडी पे खरीद चालू है, क्योंकि इस समय किसानों का दाना आ रहा है, लगातार खेत कट रहे हैं और जो बिक्री है वो लगातार जो किसान लोग मंडी पर करते नजर आते हैं। तो आइए चलते हैं, इस मंडी की हकीकत आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आइए, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी, मैं हूँ आपके साथ अजय प्रजापति। लगातार देखा हमने जनता की राय आप तक पहुँचाने का प्रयास किया और जो ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ जो शहरी क्षेत्रों में जो हुए विकास की भी हमने जो है कुछ झलक आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी क्रम में आज हम यहां पर आए हुए हैं जो हमीरपुर जनपद से लगा हुआ जो सुमेरपुर विकास खंड है, विकास खंड का ये एक गांव है जो बिदोखर के नाम से जाना जाता है और लगातार देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो इलाका है जिसकी बदहाली लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर एक चुनाव में जो है उसकी और सदन में भी इसकी बात जो है लगातार उठाई जाती है और लगातार जो है चर्चाओं में ये रहने वाला होता है। इन्हीं चर्चाओं के कारण इस बुंदेलखंड को जो है भारी भरकम पैकेज भी मिलता है। जो बुंदेलखंड पैकेज मिला हुआ था तो इसी पैकेज के आधार पर यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे जो मेरे पीछे ये गल्ला मंडी है, तो गल्ला मंडी यहाँ के किसानों के लिए जो है बनाई गई थी उसी पैकेज के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखेंगे ये गल्ला मंडी यहाँ पर बनी हुई है और गल्ला मंडी के सामने दिखाई यहाँ पर जो खेत लगे हुए हैं और गल्ला मंडी के पीछे भी खेत है, बगल में भी खेत है, लेकिन बड़ी जो है विडंबना वाली बात है कि यहाँ जो गल्ला मंडी होने के बावजूद भी आसपास के खेत के जो अनाज निकलता है, जो गल्ला निकलता है, उस गल्ला को जो इस मंडी पे किसान नहीं बेच पाते हैं और इस मंडी को जो है बनाने का, मंडी को संचालित करने का मात्र सिर्फ एक उद्देश्य था कि जो यहाँ किसान है, जिन किसानों को जो है दूर गल्ला मंडी में अपना गल्ला लेकर के जाना पड़ता है, उसका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज अच्छा खासा जो उनको अपनी जेब से देना पड़ता है और जिसके चलते ये गल्ला मंडी का यहाँ पर निर्माण किया गया था कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को, किसानों को जो है सुविधा होगी और यही नजदीकी अपनी गल्ला मंडी पे और सरकार के निर्धारित मूल्य के द्वारा ही उनको जो है यहाँ पर बेच करके अपनी फसल का लाभ ले पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ के प्रशासनिक अमले के लेकर के कहें या यहाँ कर जो है जो राजनेता हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, जो सांसदीय क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों की जो है उदासीनता के चलते इस मंडी को जो है आज भी देखेंगे यहाँ पर ताला लगा हुआ है, चालू नहीं किया गया है। और ये मंडी कब निर्माण हुई थी हम ये भी बता दें, सपा सरकार में इस मंडी को निर्माण कराया गया था ताकि किसानों को लाभ हो सके। या तो आप ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से देखा गया था कि सपा सरकार के द्वारा दी गई तमाम योजनाओं के नाम बदल दिए गए, कुछ योजनाएं बंद कर दी गई, इसी प्रकार से ये मंडी जो है उस सरकार की बनाई हुई है, तो ये भाजपा सरकार इसे चालू नहीं करवा पाई है। ये कहीं ना कहीं जो एक बड़ी बात है कि सपा सरकार में लगभग जो है करोड़ों की लागत से मंडी बनाई गई है, लगभग इसकी 2 करोड़ के लगभग लागत आकी गई है कि 2 करोड़ की लागत से ये मंडी का निर्माण किया गया होगा और लेकिन आज ये जो है ऐसी बदहाल स्थिति में है कि देखेंगे आप जो है पूरी स्थिति इसकी जो जर्जर हो चुकी है और अंदर की जो तस्वीरें दिखाई है, जो यहाँ पर जो है निर्माण करवाया गया था पूरा जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में फिर से हो चुका है और जो पूरा जंगल के तरीके जो है तब्दील हो चुकी है। कहीं से भी एंगल ऐसे नजर नहीं आ रहा होगा कि इस मंडी को जो है जब से हैंडओवर किया गया तो इसमें एक भी बार खरीद हुई होगी या इसका प्रयोग जो है किसानों के माध्यम से जो किया गया होगा। और भी जो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं, जो पूरा देख पा रहे होंगे जंगल के तरीके जो है तब्दील हो चुका है, लगभग ये जो है करोड़ों की लागत से ऐसे मंडी का निर्माण होता है और ऐसी अवस्था में रह जाती है। जो भाजपा सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, लगातार विकास के दावे करती है, विकास की लगातार जो बात करती है, किसान के उत्थान की बात करती है, वहीं जो किसानों का जो अपनी एक मांग रहती है एमएसपी की, एमएसपी भी नहीं किसानों को दे पा रही है, फिर भी जो है ऐसी जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो अन्य सरकार के माध्यम से किसानों को मिलने वाली थी और मिली थी, ये सब बड़ी सौगात थी किसानों के लिए जो आसपास के क्षेत्र के किसान थे कि उनको जो है अपना ट्रांसपोर्ट चार्ज बचेगा, कहीं दूर अपना गल्ला लेके नहीं जाना पड़ेगा, नजदीकी मंडी पे ही जो है बेच पाएंगे। और 2017 में इस मंडी का निर्माण होकर के इसे हैंडओवर भी कर दिया गया था और आज जो है 2024 हो गया है और आज तक इस मंडी पे जो है खरीद और बिक्री अभी तक चालू नहीं हो पाई है। आपकी क्या राय है, आप भी इसमें जो है अपनी राय जरूर दें। और जो अगर बात करें यहाँ के जो स्थानीय नेताओं की, जो भी सरकार है वर्तमान सरकार की, यहाँ पर जो है तमाम ऐसे तंत्र के लोग हैं कि उनके द्वारा अगर ये प्रयास किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों पर जो है अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है यहाँ किसानों को। लगातार सदन में बात उठती रही, लोकसभा हो या विधानसभा हो,
लगातार चर्चा होती रही बुंदेलखंड की, और बुंदेलखंड की इस ऐसी चर्चा के चलते जो है निष्कर्ष निकला कि बुंदेलखंड को एक अलग पैकेज दिया जाए। और पैकेज जो दिया गया उस समय की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र पे और सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश पे। तो ये मंडी जो आप देख पा रहे हैं, ये मंडी जो है उस सरकार में बुंदेलखंड पैकेज के माध्यम से यहाँ के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी गई थी, जो जिससे कि किसानों को बहुत बड़ा एक लाभ होने वाला था। हमारे साथ में एक किसान है, जरा इनसे बातचीत करेंगे। दादा कौन सा गांव है, ये किस गांव में मंडी बनी हुई है? बिदोखर गांव में। ये बिदोखर गांव बनी है। लगभग जो है सैकड़ों मंडियां बनाई गई हैं बुंदेलखंड पैकेज के द्वारा, और जिनकी जो है कीमत लगभग आंकी जा रही है तो करोड़ों रुपए की लागत से एक मंडी का निर्माण हुआ है, यानी कि लगभग 2 करोड़ की लागत से एक मंडी का निर्माण बताया जा रहा है। तो इसी क्रम में जो है जैसे कि देखा जा रहा है, जब ये मंडी का निर्माण हुआ था तो कैसी क्या खुशी थी किसानों के चेहरे पे? किसानों को यह खुशी रहा कि जो है मंडी मंडी बन जाएगी तो हमारा यहाँ गल्ला बेचेगा और हमें सुविधा सब हो जाएगी, तो यहाँ यही बेचेंगे। अब यहाँ जो मंडी बंद पड़ी हुई है तो किसान यहाँ बेच नहीं पा रहा है। ये बताया ये जा रहा है कि जब सपा की सरकार थी तब इस मंडी का निर्माण हुआ था, और तभी जो है एक बार यहाँ पर खरीददारी भी हुई है, और इसके बाद से जैसे सरकार परिवर्तित हो जाती है, जो परिवर्तन हो जाता है, तब से मंडी बंद हो जाती है, यहाँ पर ताला लग जाता है। तो चाचा क्या कहेंगे इसे, लगभग जो है कब तक खरीददारी हुई, क्या अनुभव है आपका जो पास में खेत पड़ता है? पहले जो है जब सपा की सरकार थी तो एक एक डेढ़ साल चली है, डेढ़ साल के बाद बंद पड़ी हुई है, इसके बाद पड़ी रहती है, चलती नहीं। जो भाजपा सरकार है लगातार जो विकास के दावे करती है, किसानों को मजबूत करने की बात करती है, किसानों को साथ देने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो क्या लगता है जो है मंडी बंद है तो इसमें किसानों को कितनी परेशानी होती होगी? जैसे सरकार जो है लगातार सबके विकास की बात करती है, तो कहीं ना कहीं जो है दूसरी सरकार ने तो कुछ है किसानों के लिए लाभ की बात की थी, लाभ के बारे में सोचा था, जो है मंडी दे दी तो काफी जो आपका जो राशन ले जाने का ट्रांसपोर्ट चार्ज था वो बचता था, आप लोग नजदीक में ही बेच लेते थे, मंडी आपको मिल गई थी। अब बंद है तो इसमें क्या कहेंगे आप? अब यही कहेंगे जो यहाँ बंद पड़ी हुई है तो नहीं बेचने के मिलता है, तो यहाँ वहाँ भरुआ ले जाते हैं, मुदा ले जाते हैं, हमें कुछ सुविधा नहीं। अगर ये मंडी चालू हो जाती है तो कितनी सुविधा आपको बढ़ जाती है? जब चालू हो जाएगी तो हमें सुविधा मतलब जय जयकार बोलेंगे, और जो इसमें जो यहाँ हमारी बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगी, तो यही बेचेंगे, यही रहेंगे, भरुआ मुदा जाएंगे नहीं, हमें बहुत परेशानी होती है यहाँ वाले जाने में। जो जैसे भरुआ मुदा ले जाते हैं तो उसका खर्च भी अलग से आता होगा? उसका खर्च जो है 500 रुपए 600 रुपए खर्च बढ़ जाता है, जो हमें भाड़ा के लिए बढ़ जाता है, यहाँ हमारे लिए लगे है तो ज्यादा में ज्यादा 100 रुपया लगेगा भाड़ा। जो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है इसी उम्मीद से बनाई गई थी कि एक मंडी अगर यहाँ पर बन जाएगी, जो आसपास क्षेत्र के जो गांव हैं, लगभग जो है आधा एक दर्जन गांव है, जो सभी गांव के लोग यहाँ पर जो किसान भाई आएंगे और अपना जो है जो गल्ला है इस गल्ला मंडी पे बेचेंगे, और अपना जो है जो लागत है और जो भी निर्धारित कीमत रहती है उसका जो है उन्हें लगातार भुगतान जो है जल्द से जल्द हो जाएगा। और जब देखा जाता है कि यहाँ के किसान जब दूर दराज जो है दूसरी जगह मंडी पर ले जाते हैं तो उन्हें जो पेमेंट में भी काफी समस्याएं होती हैं, और क्रम से जो है उनके नंबर बाई नंबर करके जो है खरीदारी होती है, तो वहाँ भी 2-2, 4-4 दिन रुकना पड़ता है। ये समस्याएं होती हैं दादा? होती हैं साहब, जो है मतलब यहाँ परेशानी बहुत पड़ती है, जो है मैं और हैरानी पड़ती है, जो यहाँ मतलब जो है बिक नहीं रहा माल तो हम यहाँ जाते हैं भागते हैं और हैरानी पड़ती है, और यहाँ अगर आएंगे तो ज्यादा में ज्यादा 100 रुपया 150 रुपया भाड़ा हमें यहाँ सुविधाएं हो जाएगी। ये बताइए जैसे ये इस मंडी को खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए साहब, जो इस मंडी खुल जाए तो बहुत बड़ी हमारी हैरानी दूर हो जाएगी। तो फिर आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स पर दीजिए कि इस मंडी को जो निर्माण किया गया है, करोड़ों रुपए की लागत जो फंसाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये जनता का रुपए ही फंसाया गया है, तो क्या इस मंडी का जो यहाँ पर मंडी जिस तरीके पहले संचालित थी, फिर इसके संचालन शुरू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर खरीदारी जो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स पर साझा करें।
तो तुरते भाग चलो भाई, यहाँ भी होटा वाला है, यहाँ भी धोखड़ वाला है, यहाँ आस पास ग्राउंड कहे खुदे हुए। कोई आगाज खाने वाला नहीं है। हाँ कोई नहीं, 3-4-5 करोड़ रुपए की लागत की मंडी ऐसी पूरी भूसा पड़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।